Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Today in grade 3 class we will study the social study and today our unit is my country or our country. So students, please open your book with me. Page number is 10. Our unit is unit number 3 and unit name is our country. Our country, hamara mulk. This lesson is about our country and you know very well about that our country is Pakistan. So this unit is related to Pakistan. Pakistan is our country. It lies in the northwestern region of the subcontinent. It shares its border with India, in the east Iran, in the west Afghanistan, in the north, west and China, in the northeast. Pakistan covers a large area of land. The total area of Pakistan is 79,900 square kilometers. It spread from Karachi to Khyber. It has population more than 210,000,021 crore. About 95 Pakistanis are Muslims. Pakistan is divided into 5 provinces named as Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan. Every province has its own capital and government. Islamabad is the capital of Pakistan. It is the place where government of country has its offices. Balochistan is the largest province of Pakistan in term of area. Punjab is the largest province in term of population. In the northern parts of Pakistan, there are high mountains covered with snow. There are also deep valley and thick forest, K2. The second highest peak of the world is also situated here. In the south and east land, it is much flatter. The area is irrigated by the Indus River and its tributaries. The land here is fertilized and produce most of Pakistan's food. The worst desert is also present in Pakistan. The Indus is the biggest river of Pakistan. It is situated in the province of Sindh. Okay student, अब मैं आपको paragraph to paragraph explain करूंगी about unit. पाकिस्तान हमारे जो है वो नॉर्थ साउथ रीजन पे वाकया है और साथ में वेस्टर्न रीजन पे वाकया और बर्रे आज़म एशिया में है और इसका जो बॉर्डर है वो ईस्ट में जो है वो इंडिया के साथ अटैच होता है, वेस्ट में ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो चाइना के साथ. पाकिस्तान का जो एरिया है ज़मीन का, ये काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया है और ये तकरीबन 796,096 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है और ये फैला हुआ है कहाँ से, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और इसकी तकरीबन 21,210,000,000 आबादी है और ज़्यादातर जो 95% आबादी जो पाकिस्तान की वो क्या है, मुसलमानों पर मुश्तमिल है और बाकी जो आबादी है 5% उसमें हिंदू, क्रिश्चियंस इस तरह के लोग शामिल हैं.
पाकिस्तान को पांच हिस्सों में, पाकिस्तान को पांच सूबों में तकसीम किया गया है, और पाकिस्तान के जो पांच सूबे हैं उनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। और हर प्रोविंस का अपना अपना कैपिटल है। कैपिटल एक ऐसे शहर को कहते हैं जो मेन सिटी, जो पूरी गवर्नमेंट को पाकिस्तान की संभाल रहा होता है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और ये वो जगह है जहाँ से, ये शहर है जहाँ पे गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसेस मौजूद हैं, और इससे ही गवर्नमेंट अपनी पूरी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद से रन करती है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और ये इसका एरिया पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। और जो नॉर्थन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे जो बहुत बुलंद बुलंद पहाड़ों के सिलसिले हैं, जिनमें आपके पास के टू जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियों में से दूसरे नंबर पर आती है। पहले हमारे पास जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरे नंबर पे K2 है। K2 भी जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। इसी तरह हमारे पास घने जंगलात हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे पास घने जंगलात हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो लकड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के मैदानी इलाके, और मैदानी इलाकों के अंदर सिंध के अंदर जो है वो दरियाए सिंध है, जो पहाड़ों से शुरू होता है, और वो सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान का दरिया है, और फिर आगे वो सिंध में जाकर आगे फिर समंदर में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो आबादी है वो उस दरियाए सिंध के पानी से सैराब होती है। पाकिस्तान ही के अंदर थर का बड़ा सहरा मौजूद है, जो है वो थर का इलाका सिंध के प्रोविंस में मौजूद है, जो सबसे बड़ा कुछ बड़े रेगिस्तानों के अंदर आता है। ये पाकिस्तान में पांच दरिया मौजूद हैं, जिनके आपको नाम भी मालूम हैं कि दरियाए सिंध है सबसे बड़ा दरिया, दरियाए झेलम है हमारे पास, इसी तरह दरिया सतलुज है, दरिया रावी है। तो ये दरिया जो है वो पांच के पांच दरिया पाकिस्तान के बहुत सारे मैदानी इलाकों को, पंजाब के मैदानी इलाकों को, और फिर सिंध के मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं। यानी वहाँ पे पानी का उनसे, इन दरियाओं से नहरें निकाली गई हैं, और फिर उन नहरों से आगे पानी पहुँचाया जाता है दूर दराज के इलाकों तक। तो ये हमारा पाकिस्तान का के बारे में था कि एक हर तरह की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ भी आते हैं, पहाड़ों के भी अगर सिलसिले हम देखें तो बहुत अच्छे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं जहां सारा साल बर्फ़ रहती है। अगर आप मैदानी इलाके देखें तो मैदानी इलाके भी बहुत अच्छे हैं जहां बहुत अच्छी फसलें मौजूद हैं। दरिया के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के अंदर दरियाओं का सिलसिला भी बहुत अच्छा है। फिर इसी तरह सहरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, समंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो खित्ते का एक बेहतरीन एरिया इलाके पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट, अब हम इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ट्राई द क्वेश्चन आंसर फॉर यू ऑन बोर्ड एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बोर्ड। नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन आंसर फॉर यू, सो कॉपी देम। ओके स्टूडेंट, आई हैव रोट द क्वेश्चन आंसर फॉर यू on board. Our first question is, write short question answer. Where is the Pakistan located? Pakistan lies in the northwestern region of the subcontinent. What is the total area of Pakistan? The total area of Pakistan is 796,096 kilometers square. What is the population of Pakistan? The current population of Pakistan is 21 million or 21 crore, 210 million and
21 crore. Which is the largest province of Pakistan in area? Balochistan is the largest province of Pakistan in area. Which is the largest province of Pakistan in term of population? Punjab is the largest province of Pakistan in term of population. Okay. Our sixth question is, which is the biggest river of Pakistan? Indus River is the biggest river of Pakistan. Seventh question is, where Indus River is situated? Indus River is situated in province of Sindh. Our eighth question is, which is the second highest peak of the world? Answer is K2 is the second highest peak of the world. Our ninth question is, where K2 is situated? K2 is situated in northern side of Pakistan. Long question answer. Which country share the border with Pakistan? India in the east, Iran in the west, Afghanistan in the northwest, and China in the northeast share their border with Pakistan. Now question number 2 is, how many provinces of Pakistan are there, write their name? Pakistan is divided into 5 provinces, name as Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan. Our third question is, write capital cities name of all provinces. Punjab capital city is Lahore, and Sindh capital city is Karachi, and Balochistan capital city is Quetta, and Khyber Pakhtunkhwa capital city is Peshawar, and Gilgit Baltistan capital city is Gilgit. Our last question and fourth question is, write 2 lines about the capital city of Pakistan. Islamabad is the capital city of Pakistan. All government offices are situated in it. It is a beautiful city. Okay, student, these are the question answer. And now we will solve the book exercise. Student, first of all, we have choose the correct options. Here we have question and you have option for every question. It is the capital city of Punjab. Lahore, Karachi, Quetta, Gilgit. We have studied in the unit, Punjab capital is Lahore. It is the capital city of Sindh. Quetta, Peshawar, Lahore, Karachi. Karachi is the capital city of Sindh. It is the capital city of Balochistan. Lahore, Quetta, Karachi, Gilgit. Quetta is the capital city of Balochistan. It is the capital city of Khyber Pakhtunkhwa. Karachi, Lahore, Gilgit, Peshawar. Peshawar is the capital city of Khyber Pakhtunkhwa. It is the capital city of Pakistan. Lahore, Islamabad, Karachi, Peshawar. Islamabad is the capital city of Pakistan. Okay, student, now we have matched the column A and B. We have in column A, total area of Pakistan, total population of Pakistan, provinces of Pakistan, capital name of Pakistan, biggest river. We will give them number 1, 2, 3, 4, and 5. Now, total area of Pakistan. Total area of Pakistan is, this is your number 1. Total population of Pakistan. What we have studied, total population of Pakistan is 210 million. Provinces of Pakistan. We have studied that we have 5 provinces in Pakistan. Capital of Pakistan. Islamabad is the capital of Pakistan. Biggest river. Indus is the biggest river of Pakistan. You have to solve these column A and B on your
book. Okay, student, now you have to fill the blanks. You have to read the lesson and you have to solve or you have to fill these blanks by yourself. Fill the space. Now you have to again read the lesson and you have to fill these blanks in column B. I hope, student, you have understood this lesson. You have to read out this lesson 2 or 3 times, then you will be able to solve these 2 exercises. Take care. Allah Hafiz.